ओके तो आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ यस एक बार कंफर्म कीजिए कि एम आई क्लियरली ऑडिबल एज़ वेल एज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू यस प्रीति गुड इवनिंग है ना फिर से ये हो चुका था बट चलो कोई बात नहीं आप तक आवाज नहीं पहुंची है तो बट कर लेते हैं इसको फिर से ठीक है हव आर यू सर मैं भी एकदम बढ़िया हूँ प्रीति थैंक यू फॉर आस्किंग और आप बताइए कि आप कैसे हैं दीक्षा सुमन अभिषेक प्रियंका फैजल कुलदीप मोहम्मद मुशीर चलिए जी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आई गाइस आई होप आप सभी बढ़िया हैं मस्त हैं और हाल फिलहाल में आपका सी का नेट का जो एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट निकला है है ना जून का और होपफुली आपने उसमें बढ़िया परफॉर्म किया है और अगर देखिए कुछ कमियां बाकी भी रह गई हैं तो उसको हम पूरा कर लेंगे इस दिसंबर के एग्ज़ाम तक ठीक है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है है ना एग्ज़ाम आएंगे एग्ज़ाम जाएंगे जी सर बट आप बस आप अपना बेस्ट देते रहना ठीक है ये इम्पोर्टेंट है ठीक है कभी होता है कभी नहीं होता है बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं है ना लक का एक फैक्टर होता है ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो स्पेसिफिकली टॉपिक जैसे पढ़ा था वैसे इस बारी ना पूछा गया हो है ना ये सा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे ठीक है तो उसके लिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है है ना क्योंकि और मौके आने वाले हैं ठीक है डिसम्बर में नेट आएगा, आएगा गेट आएगा बार्क आएगा जी आएगा देखिए कितने सारे एग्जाम हैं सेट भी आएगा तो इतने सारे एग्जाम हैं और आप एक एग्ज़ाम के लिए अगर मायूस हो गए निराश हो गए और पढ़ना छोड़ दिया है ना थोड़ी सी आप प्रिपरेशन कम कर दी तो इसका कोई मतलब नहीं बनता ठीक है इससे तो अच्छा आप प्रिपरेशन ही ना करते फिर ठीक है तो वॉरियर बनना है आपको ठीक है टेंशन नहीं लेनी है मजे में रहना है अभिनंदन गुड इवनिंग यश कुमार कोहली गुड इवनिंग सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सिग्मा और पाए देखिए सिग्मा होता है ठीक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेनली सिग्मा होता है नम सुमन लाल मुनि वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस ठीक है सबसे पहले एक ही गुजारिश है आप सब से कि एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए जिन जिन लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है है ना या फिर करना भूल गए हों तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए गाइस है ना क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल एज वेल एज बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन ठीक है जो कल नहीं हो पाया था ठीक है क्योंकि कल थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ गया या फिर टेक्निकल ग्लिच कह लीजिए उस वजह से, से सेशन हम कंटिन्यू नहीं कर पाए है ना आपको भी पता चल गया होगा बट आज एकदम पूरा स्मूथ जा रहा है सेशन हमारा तो मज़ा आएगा सेशन में ठीक है यस ज्योति वेरी गुड इवनिंग सनम शेख गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग सनम चलीजिए देखिए सेशन को शुरू करने से पहले थर्टी फर्स्ट अगस्त है ना एक दो दिन की बात है है ना यहाँ पर इस दिन पे हमारी एक बैच शुरू हो गई थी है ना सी एस आर नेट केमिकल साइंस के लिए ओके okay, जहाँ पर आपको अगर आप एनरोल करते हो तो आपको मिलता है थर्टी परसेंट ऑफ जिसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है आई एफ एस थर्टी ओके तो आप अगर एनरोल करना चाहते हो इस बैच में ठीक है तो अभी भी आपके लिए ये दरवाजे खुले हैं ठीक है तो एनरोल कर सकते हो आप फटाफट ठीक है चलिए तो अब आते हैं काम की बात पे आज मैंने कॉल किया था कोचिंग के लिए फोन ही नहीं रिसीव किए अच्छा ठीक है ऐसा कीजिए कि आप ऊपर जो नंबर प्रोवाइड किया गया है उस पर ना आप कॉल करना ठीक है उस नंबर पे ही आप स्पेसिफिकली कॉल करना ठीक है या फिर आपको कुछ देर में ठीक है आपको नंबर मिल जाएगा ठीक है अभी कमेंट बॉक्स में एक नंबर आ जाएगा आप उस पर कॉल कर लेना ओके जी यस गुगली मोटिवेशन राम राम जी गूगली भी है मोटिवेशन भी है और राम राम भी है चलिए अच्छी बात है देखिए देखो देखो गाइस ठीक है अब ध्यान से देखना जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है ठीक है वी एस बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सब बदला लेगा रहे तेरा फैजल ठीक है सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा मैंने आपको लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम दिया था याद है यस yes? जो हमारी क्लास हो पाई थी उसमें हमने एक प्रॉब्लम लिया था ठीक है एक लोन पेयर ठीक है और ये ठीक है तो वन टू और थ्री ठीक है जहां पर बॉन्ड एंगल क्या मिलती है आपको बॉन्ड एंगल देखिए अल्फा वन अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री मिलती है बॉन्ड एंगल ठीक है इसके बारे में हम बात कर रहे थे गाइस ठीक है तो होपफुली आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया था ठीक है अब देखिए मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करता हूँ ध्यान से देखना और जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लेना यहीं पे कमेंट बॉक्स में आप फटाफट अपना जो भी डाउट है ठीक है टाइप कर देना मैं पढ़ लूंगा और उसका जवाब आपको मिल जाएगा ठीक है ओके जी अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था Yes, इस पे मैंने देखा था परसेंटेज एस का कैरेक्टर मैंने कहा कि आपका जो जेड है लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड है ठीक है जेड कहने से अच्छा है कि मैं कह दूं इसको ट्रिपल बॉन्ड आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है लोन पेर है और ये जो सिंगल बॉन्ड है दीज आर परसेंटेज एस फाइल ठीक है परसेंटेज एस फाइल ठीक है सबसे ज्यादा परसेंटेज एस फाइल कौन होता है ट्रिपल बॉन्ड फिर आता है लोन पेयर

यस yes, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर तीन गुना घट जाता है और यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर एक दो तीन तीन गुना घट गया ठीक है अब परसेंटेज एस कैरेक्टर घट गया तो बॉन्ड्स क्या होते हैं बॉन्ड्स में से परसेंटेज एस कैरेक्टर का घटना यानी बॉन्ड्स में पी कैरेक्टर बढ़ना है ना दोनों एक ही बात है और जब जब आपके बॉन्ड्स में पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो डायरेक्शनलिटी बढ़ती है है ना आपका पी क्या रह, क्या रहता है जी सर पी ऑर्बिटल का कैरेक्टर होता है हाईली डायरेक्शनल रहना है ना अब आपके इन दोनों बॉन्ड्स में क्या है मैक्सिमम पी कैरेक्टर है तो मैक्सिमम डायरेक्शनलिटी मिल चुकी है है ना अब डायरेक्शनलिटी मिल चुकी है तो आपकी रिपल्शन क्या होती है इन दोनों बॉन्ड्स में डिक्रीज हो जाती है तो ओवरऑल जी सर इसमें एडजस्टमेंट देखने को मिलती है ऐसे ठीक है ये दोनों क्या करते हैं ये दोनों जो बी एटम ऐसे थे ठीक है ए बी का बॉन्ड है ए बी का बॉन्ड है घट गया वो ऐसे हो जाते हैं ठीक है इनमें बॉन्ड एंगल क्या होती है डिक्रीज होता है क्योंकि जी सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब हाईली डायरेक्शनल बन चुकी है और इस वजह से रिपल्शन भी घट चुके हैं है ना तो रिपल्शन घट चुके हैं तो बॉन्ड एंगल ऐसे हो जाते हैं पास पास आ जाते हैं ताकि इस ट्रिपल बॉन्ड की जो रिपल्शन है इस सिंगल बॉन्ड्स के साथ वो मिनिमाइज कर पाए ठीक है वी एस की तरफ हम थोड़ा सा बॉन्ड रहे हैं तो आप इसीलिए ध्यान से सुनना है इसको ठीक है तो इस वजह से देखिए ये पास आ गए ठीक है तो परसेंटेज एस का कैरेक्टर सबसे कम किस में रहेगा परसेंटेज एस का कैरेक्टर सबसे कम रहता है अल्फा थ्री में ठीक है फिर मेरे पास आता है लोन पेयर अब लोन पेयर को भी परसेंटेज एस कैरेक्टर पसंद है तो ये दो गुना परसेंटेज एस कैरेक्टर इन दोनों बॉन्ड्स में से ले लेता है तो इसमें क्या होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर दो गुना घट जाता है ऐसे और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर दो गुना घट जाता है ऐसे अब इसमें भी जी सर परसेंटेज एस घट रहा है अब जितना ट्रिपल बॉन्ड के केस में परसेंटेज एस घटा था वहां पर उतना तो नहीं घटा है बट थोड़ा बहुत तो घटा है ना तो इसमें क्या होता है यस बॉन्ड एंगल फिर से डिक्रीज होने लगता है क्योंकि एस का कैरेक्टर होता है नॉन डायरेक्शनल है ना जितना एस कैरेक्टर रहेगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल मिलता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ आपके हाइब्रिडाइजेशन से ठीक है मेरे पास है एस हाइब्रिडाइजेशन ठीक है मेरे पास पी टू हाइब्रिडाइजेशन और मेरे पास है एस पी थ्री हाइब्रिडेशन ठीक है क्या होगा यस yes, इसमें देखिए सर कैरेक्टर है ठीक है इसमें क्या है थर्टी थ्री परसेंट एस कैरेक्टर है और इसमें है ट्वेंटी फाइव परसेंट एस कैरेक्टर ठीक है तो देखिए अब जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर घटता जा रहा है तो उस हिसाब से मैं बॉन्ड एंगल को भी रिलेट कर सकता हूं ठीक एस पी हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है 180 डिग्री की बॉन्ड एंगल मिलती है आपको ठीक है एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो आपको मिलती है 120 डिग्री की बॉन्ड एंगल और एस पी थ्री जब भी रहेगी आपको 109 डिग्री की बॉन्ड एंगल मिलती है है ना ये सबको पता है है ना ये आप सभी को पता है तो इस केस में क्या होगा जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट जाने परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है घटता है ठीक है तो यही फंडा हम यूज कर रहे हैं यहां पर देखिए जैसे बॉन्ड्स में परसेंटेज घट गया तो पहले जो बॉन्ड ऐसे थे 120 डिग्री की बॉन्ड एंगल आनी चाहिए थी वो क्या हो रहे हैं ऐसे हो जाएंगे तो यहां पर दूसरे नंबर पे आ गया अल्फा टू और पहले नंबर पे इसी तरीके से आता है अल्फा वन ठीक है यस बहुत बढ़िया गैस तो परसेंटेज एस की ऑर्डर ऐसे मिली तो बॉन्ड एंगल की ऑर्डर कैसे मिलेगी सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल रहती है यहाँ पर अल्फा वन में फिर आ जाएगा अल्फ़ा टू फिर आता है अल्फा थ्री ठीक है अल्फ़ा टू और अल्फा थ्री ठीक है आपकी इस तरीके से मिलती है बॉन्ड एंगल की ऑर्डर वेर एस अगर मैं वी एस ई पी आर को यूज करता हूँ ठीक है वी एस ई पी आर जी सर वी एस ई पी आर ठीक है क्या होता है वी एस ई पी आर सभी को पता है वैलेंस शेल ठीक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेर रिपल्शन ठीक है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेर रिपल्शन अब ये भी क्या करती है सेम चीजों पे फोकस करती है जी सर यस सेम चीजों पे ये भी कहती है कि रिपल्शन कहां पर ज्यादा होगा यस यहां पर जब हम परसेंटेज एस की बातें कर रहे थे ना यहां पर है ना परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात है की है ना परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात है की अब परसेंटेज एस कैरेक्टर वर्ड को निकाल दीजिए और उसके जगह रख दीजिए रिपल्शन यानी वी एस सी पी आर थे ऊपर बात करती है बस यहाँ पर हम क्या करते हैं रिपल्शन का फंडा या फिर रिपल्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ठीक है थीके? तो कैसे आ जाएगा यहाँ पर रिपल्शन का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा रिपल्शन रहती है ट्रिपल बॉन्ड की फिर आता है लोन पेयर और फिर आता है डबल बॉन्ड और फिर आता है सिंगल बॉन्ड ठीक है इस तरीके से मिलता है आपको रिपल्शन का ऑर्डर और यही ऑर्डर होता है आपका परसेंटेज एस फाइल का ऑर्डर ठीक है परसेंटेज एस फाइल है ना सेम ऑर्डर मिलता है तो अगर मैं यही एग्जाम्पल को ले लू ए बी बी है ना ए लोन पेर बी बी और ए ट्रिपल बॉन्ड Z ठीक है Z रख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको ऐसा नहीं लगे कि नाइट्रोजन की वजह से है ना मान लीजिए अगर मैं नाइट्रोजन रखता तो आप हो सकता है कि सोच सकते हैं कि नाइट्रोजन की वजह से ये सारी चीजें हो रही है बट ऐसा नहीं है ठीक है ट्रिपल बॉन्ड को देखना है क्योंकि वी ए सी पी आर सब्सटीट्यूएंट के बारे में केयर नहीं करता वी सी पी आर नहीं देखता जी सर सब्सटीट्यूएंट का साइज वो बस देखता है क्या यस yes. वो बस देखता है कि कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है या फिर कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है हो सकता है कि लोन पेयर प्रेजेंट हो हो सकता है कि बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो यस एनीथिंग पॉसिबल बट नॉट सब्सटीटूएंट्स ठीक है ओके जी तो अब देखिए रिपल्शन के ऑर्डर पे अगर मैं इसको बताना चाहूं अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा थ्री सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करता है आपका ये बॉन्ड करता है ट्रिपल बॉन्ड है अब इसमें इन ट्रिपल बॉन्ड में और इस सिंगल बॉन्ड में क्या है रिपल्शन ज्यादा है है ना तो इसको कम करने के लिए आपके ये सिंगल बॉन्ड्स क्या करते हैं इस तरीके से पास आ जाते हैं ठीक है और ये मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा आपको ये मॉलिक्यूल दिखता है ऐसे है ना देखिए बॉन्ड एंगल क्या हो गया बॉन्ड एंगल कम हो गया जी सर अल्फा थ्री ठीक है फिर देखिए लोन पेयर आता है लोन पेयर रिपल्शन भी बहुत तगड़ी होती है तो इसी वजह से बी के एटम्स जो है ऐसे हैं वो क्या करते हैं अब लोन पेयर से जी सर रिपल्शन पड़ रहा है मॉलिक्यूल अनस्टेबल बन रहा है लोन पेर समझदार नहीं है बट आपके जो बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड है वो बहुत समझदार है उनको पता चल जाता है कि अगर मैं नहीं हटा तो मेरा भी घाटा है इसका भी घाटा है और मॉलिक्यूल का भी घाटा है तो इसीलिए वो क्या करते हैं जो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए था है ना इस स्पीशीज के लिए वो क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पर इन बॉन्ड्स में कम हो जाता है ठीक है यस yes, ये भी आ गए पास पास अब ये तो जी सर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये जितना इसको रिपल कर रहा है ना यही दोनों एटम क्या कर रहे हैं इसको रिपल कर रहे हैं और ये भी एटम इसको रिपल कर रहा है तो इनमें सब में क्या होता है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहेगा ठीक है थोड़ी सी भी चेंजेस नहीं आएगी थोड़ा सा भी यहाँ पर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल नहीं बनेगा क्योंकि सारे जो सब्सटीटेंट है सारे जो बॉन्ड टाइप है ना वो सिंगल बॉन्ड के हैं यानी सब बॉन्ड सेम है जी सर सारे बॉन्ड एक समान है ओके तो so ये -E के बेसिस पर बॉन्ड एंगल क्या बनता है आपका वी एस ई पी आर के बेसिस पे बॉन्ड एंगल सबसे पहले अल्फा वन आता है फिर आता है अल्फा टू और फिर आता है अल्फा थ्री ठीक है बॉन्ड एंगल कैसे आ गया अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा थ्री ठीक है बिल्कुल जैसे हमने परसेंटेज एस कैरेक्टर को यूज किया था है यहां पर देखिए अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा थ्री यही बॉन्ड एंगल का ऑर्डर मिलता है आपको जब मैं वी एस ई पी आर थेरी को अप्लाई करता हूँ ठीक है वी एस ई पी आर थेरी को मैं अगर ऐसे अप्लाई करता हूँ तो सेम बॉन्ड एंगल मिलता है आपको ओके क्या मेरी बात क्लियर है आपके लिए यस yes. अगर मेरी बात क्लियर है तो मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा जिसको आप सॉल्व करोगे चलिए बताइए यस ऋषभ प्रणाम वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन चलिए बहुत अच्छी बात है देखिए मैं देता हूं आपको ठीक है जी मैं लेता हूँ ये दो मॉलिक्यूल्स चलिए अब इसके बेसिस पे मुझे आप बताओगे कि कैसे रहेगा जी सर बॉन्ड एंगल ठीक है बॉन्ड एंगल को चलिए मैं कहता हूँ यहां पर अल्फा और इसको मैं कहता हूँ बीटा ठीक है ये अल्फ़ा है और वो बीटा है ओके चलिए मुझे बताइए कि कौन सा एंगल ज्यादा रहेगा ऑर्डर क्या आएगी बॉन्ड एंगल की अच्छा ऋषभ आज मैंने कंपनी से एग्ज़िट ले लिया ओके जी ओके तो मतलब है कि आपको जमा नहीं वहाँ पर है ना चलिए कोई बात नहीं है ठीक है एक मुझे लगता है कि आपने अच्छा डिसीजन ही लिया है है ना आप कंप्लीटली फोकस कर सकते हो आपकी स्टडीज़ पे ओके बहुत अच्छी बात है चलो है ना अब आपको पूरा फोकस करना है आपके स्टडीज पे जो भी आप आने वाले एग्जाम है ना चाहे नेट हो सेट हो टिफर हो गेट हो बार्क हो जी हो बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं तो एक बार पढ़ाई करो और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और सारे एग्जाम देते रहना आप ठीक है यस yes, चलिए बहुत बढ़िया गाइस टू इज ग्रेटर देन वन कह रहे हैं अभिषेक और अभिषेक आपका क्या चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है सुमन टू इज ग्रेटर सी बात है सिंपल सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बहुत बात है, ठीक है अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ यस मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर लगा सकता हूँ ठीक है अब मेरे पास क्या है लोन पेर है जिसको परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा चाहिए होता है जो एस का कैरेक्टर है ना ऑर्बिटल का वो ज्यादा चाहिए होता है आपके लोन पेयर को तो अब ये लोन पेयर क्या करेंगे यस ये लोन परसेंटेज एस करेक्टर अपने पास लेते हैं। दो गुना मान लो दो गुना ले रहे हैं दोनों तो लोन पेर ही है दो गुना ले रहे हैं बट अब देखो ये जो सब्सटीटूएंट है ना यहाँ पर क्या है फ्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और जैसे मैंने बताया था कि जो फ्लोरीन है दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होता है दे आर परसेंटेज एस हेटर ठीक है वो क्या होते हैं परसेंटेज एस हेटर होते हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आता परसेंटेज एस कैरेक्टर तो ये क्या करेंगे यस, ये अपने बॉन्ड में से जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है जी सर उसको कम करना चाहते हैं कम करना चाहते हैं कम करना चाहते हैं ना बॉन्ड एंगल इस पे ही तो डिपेंड करती है अब देखिए हाइड्रोजन तो कुछ नहीं कर रहा है वो तो मासूम है बट अपना जो फ्लोरीन है ना वो बहुत ही खतरनाक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इसने क्या किया परसेंटेज एस को धमका दिया कहा कि भाई निकल लो ठीक है कहां निकल लो कहा जा ले जाएंगे जी सर यहां पर चले जाते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर और जैसे यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा यानी यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर घट गया तो इन बॉन्ड्स की जो एंगल थी पहले मान लीजिए ऐसी थी और अब ये क्या हो गए सिकुड़ गए हैं क्योंकि उसमें से पूरा जो परसेंटेज एस कैरेक्टर नामक रस था वो कहां पर चला गया यहां पर चला गया ठीक है तो यस यहां पर है अपनी अल्फा अल्फा की वैल्यू छोटी होगी जी सर बीटा से ठीक है अल्फा की वैल्यू क्या होती है छोटी होती है बीटा से ओके यस बहुत बढ़िया गाइस तो टू इज ग्रेटर देन वन ये रहेगा जी सर आपका सही ऑर्डर बहुत बढ़िया गाइस. बहुत बढ़िया ठीक है मैं एक और दो एग्जाम्पल लेता हूँ चलिए ठीक है अब मैं यहाँ पर लेता हूँ बहुत सिंपल एग्जाम्पल ठीक है मैं लेता हूँ देखिए यहाँ पर सी ठीक है ये है मेरा पहला मॉलिक्यूल C2H6 और मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं C2F6 एक दो और तीन एक दो और तीन अब देखिए बताइए मुझे यहां पर बॉन्ड लेंथ का क्या डायरेक्शन रहता है जिस इसको मैं कहता हूं डी वन और इस बॉन्ड डिस्टेंस को मैं कहता हूं डी टू क्या अब आप परसेंटेज एस कैरेक्टर पे जैसे एंगल बता पा रहे थे उसी तरीके से क्या आप अब परसेंटेज एस कैरेक्टर को देखकर बॉन्ड लेंथ को प्रिपेयर कर पाएंगे यस yes. चंद्रभान वेरी गुड इवनिंग यस चलिए मुझे चाहिए आंसर ठीक है आप सभी मुझे आंसर दीजिए क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ के बारे में मैं बता सकता हूँ परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऊपर D1 वन इज ग्रेटर देन डी चलिए प्रतीक्षा ने अपना आंसर दे दिया है बहुत बढ़िया कमलेश कह रहे हैं कि टू इज ग्रेटर देन वन ओके बहुत बढ़िया और थोड़ा सा आंसर का जो प्रभाव है है ना वो फ्लो टूट गया है चलिए अब आ गया आंसर का फ्लो सुमन कह रहे हैं डी फिर आएगा डी संपूर्ण डी वन ग्रेटर देन डी टू वैद्य राज डी टू ग्रेटर देन डी वन सुमन डी वन ग्रेटर देन डी टू एस एस सुपर स्टडी टू इज लेस देन वन ठीक है ओके okay. अभिनंदन प्रदीप अनु प्रियंका अंजलि, बहुत बढ़िया अंजलि पूजा डॉली मसूक, अनु बहुत बढ़िया चलिए चलिए बहुत बढ़िया मनीषा है हमारे साथ ऋषभ कह रहे हैं कि इंक्रीज द एस कैरेक्टर डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ चलिए जी बहुत बढ़िया देखो सिंपल सा एक रिलेशन लगाना था यहां पर क्या रिलेशन लगाओगे यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली नो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ठीक है परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ओके ये होता है आपका रिलेशन ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या है परसेंटेज एसेटर है तो अपने बॉन्ड्स में से इन बॉन्ड्स में से ये क्या करेंगे परसेंटेज इसको तो घटा देते हैं ठीक है थीके? ये परसेंटेज इसको घटा रहा है ये भी परसेंटेज इसको घटा रहा है ये भी अपने परसेंटेज को तो घटा रहा है ये भी अपने परसेंटेज को तो घटा रहा है और ये भी अपने परसेंटेज को घटा रहा है

हाइड्रोजन क्या करेंगे ना तो परसेंटेज परसेंटेज है 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 ना ही ठीक इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है चो चल रहा है, चलने दो है ना तो इस बेसिस पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर क्या होगा जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है या? जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या रहती है कम रहती है तो यानी इस कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस की जो लेंथ है वो क्या रहेगा डिक्रीज हो जाता है बिकॉज यहां पर परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आपको कैसी ट्रेंड मिलती है डी वन और डी टू के बीच में डी वन विल बी ग्रेटर देन डी टू यस बहुत बढ़िया गाइस बहुत, बहुत 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 बढ़िया बहुत बढ़िया मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन तो नहीं किया था बट फिर भी आपने एग्जाम्पल का आंसर सही दे दिया चलिए एक और मैं प्रॉब्लम देना चाहता हूँ एक और क्वेश्चन देना चाहता हूँ और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे ठीक है देखिए ध्यान से देखना क्वेश्चन को मैं देता हूं आपको ओ टू एफ टू और मैं देता हूं आपको जी सर ओ एच ट्वाइस ठीक है मैं देता हूं आपको ओहेच OH ट्वाइस अब देखिए इसको मैं कहता हूं डी वन और इसको मैं देता हूं डी टू अब आप मुझे बताइए क्या रहेगा सही बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड यस बोलिए जी यस बताइए गाइस, क्या होगा बॉन्ड एंगल का ट्रेंड मैं चाहता हूं कि आप सभी आप सभी जो जो यहाँ पर प्रेजेंट है सभी लोग का उत्तर आना चाहिए ठीक है देखते हैं कि जी सर आप कितना तैयार हो ठीक है मेरे लिए नहीं खुद के लिए आप आंसर दो है ना आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो है ना आपको कितना इम्प्रूव करना है जब भी देखे, है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं है ना अब आपको उनमें से अच्छा निकलना पड़ता है सभी आंसर देना ठीक है जो जो एक भी बंदा नहीं छूटना चाहिए सभी सभी ठीक है एटलीस्ट ट्राई तो कर लो गलत भी आंसर है परवा नहीं है बट सभी के आंसर आने चाहिए क्योंकि इससे ही आप सीखोगे ठीक है जितनी गलतियाँ करोगे ना आप उतना आप सीख पाते हो ठीक है तो गलती करने से बिल्कुल भी मत डरो बस डरना जी सर गलती करने से कब जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तब नहीं कहना कि मैं तो गलती करूंगा और सीखूंगा ठीक है तब सीखने की बात नहीं रहती है तब जो सीखा है वो दिखाने की बात रहती है है ना अब इतना जो एग्जाम से पहले आपको टाइम मिला है वो सीखने के लिए रहता है वहां पर आप गलतियां करो चल जाएगा जी सर बट एग्जाम में जाकर आप कहोगे कि अरे मैं तो सीखने वाला हूँ आज और ले खूब गलतियां करूंगा फिर तो वो यस वो वाली बात होगी चलिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया गाइस टू इज ग्रेटर देन वन ओके एफ और ओ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी मोर है फ्लोरिन की ठीक है चाहे जो भी हो जाए ठीक है इस दुनिया में तो देखिए फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी ओके okay? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है ठीक है देख लेते हैं देखिए अब मेरे पास क्या है यहां पर नॉर्मल एच टू ओ टू मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ठीक है, और यहां पर क्या है? है। अब ये क्या है परसेंटेज एस सेटर है तो ये अपने बॉन्ड्स में से परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे और ये भी अपने बॉन्ड्स में से परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं अब जो परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हुआ है वो इन बॉन्ड्स में जाकर अक्यूमुलेट होने लगता है और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ना यानी लेंथ का घटना ठीक है बॉन्ड लेंथ का घटना ठीक है तो इस वजह से क्या होगा डी टू विल बी ग्रेटर देन डी वन ठीक है डी टू विल बी ग्रेटर देन डी वन ओके बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट था Yes, clear है ये बात चलिए आई होप ये बात क्लियर है ठीक है तो परसेंटेज एस के बेसिस पे हम क्या करते हैं इस तरीके से बॉन्ड एंगल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं ठीक है एक और एग्जांपल लेता हूँ चलिए ठीक है अब मैं लेता हूं जी सर एन एफ थ्री और एन सी एल थ्री ठीक है ये है मेरे पास मॉलिक्यूल्स ठीक है ये है मेरे मॉलिक्यूल्स अब इसको मैं कह देता हूं अल्फा और इसको मैं कह देता हूं बीटा ठीक है इसको मैं कह देता हूं जी सर बीटा अब जो अल्फा की एंगल है बीटा की एंगल है अब मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों में जजमेंट ले कि कौन सी एंगल ज्यादा होगी चलिए सर लोन पेयर का कुछ इफेक्ट नहीं होगा नहीं होगा जी सर यस लोन पेयर जो अपना इफेक्ट दिखाना था दिखाई रहा है है ना लोन पेयर क्या कर रहा है जी सर एंगल को बढ़ा रहा है है ना ऐसे आ रहा है इसलिए ऑक्सीजन फ्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल क्या आ रहा है वी शेप में यानी करीब करीब एक सौ नौ डिग्री का आ रहा है है ना वो काम कर दिया है लोन पेयर ने ओके बीटा ग्रेटर देन अल्फा बहुत बढ़िया गाइस बहुत बढ़िया टू ग्रेटर देन वन अब देखिए बहुत बढ़िया ठीक है चलिए इस बात को मैं समझाता हूँ आपको ठीक है सभी ध्यान से सुनना आप, ठीक है अब देखिए, वी एस ई पी आर में हमने क्या कहा था चलिए बहुत बढ़िया जी सर एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा वी एस ई पी आर में हमने क्या कहा वी एस ई पी आर में मैंने कहा कि ये जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है साइड बॉन्ड्स पेयर पे रिपल्शन दिखाता है और इस रिपल्शन की इंग्रीज की वजह से ये बॉन्ड पेयर पास पास आ जाते हैं और अल्टीमेटली अल्फा की जो बॉन्ड एंगल है डिक्रीज होती है ठीक है अल्टीमेटली जो अल्फा की बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होती है बट 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 ठीक है ये कहानी का जी सर पहला हिस्सा है ना अब आता है जी सर पार्ट टू है ना ये है वी एस सी पी आर की कहानी ठीक है यहाँ पर कौन भारी पड़ रहा है वी एस ई पी आर ठीक है ये राक्षस क्या कर रहा है भारी पड़ रहा है बट इस केस में चले जाइए आप यस यहाँ पर देख लीजिए बहुत ध्यान से सुनना आप ठीक है यहां पर अगर आप देखोगे ना अब ये लोन पेयर जी सर रिपल्शन तो दिखाना चाहता है ऐसे 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 और बीटा की बॉन्ड एंगल को कम भी करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता यस yes, क्यों नहीं कर पाता क्योंकि आपके जो साइड आटम है वो बहुत बड़े बड़े हैं एस और उनपे लोन पेयर भी तो है, है ना लोन पेर है तो अब इनके बीच में जो रिपल्शन है वो बहुत खतरनाक है यस yes, इनके बीच में जो रिपल्शन है रिपल्शन

क्योंकि अल्टीमेटली मॉलिक्यूल को तो स्टेबल होना है अल्टीमेटली मॉलिक्यूल को क्या होना है स्टेबल होना है तो अब स्टेबल बनने के लिए ये क्या करेगा ये साइड आइटम्स एक दूसरे से दूर जाले जाते हैं है ना तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इस केस में अब क्या होगा बीटा जो बॉन्ड एंगल है ना वो इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज है ना बीटा बॉन्ड एंगल क्या हो रही है इंक्रीज होती है ओके okay? और ये केस क्या बनता है नेबरिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन का बनता है ठीक है यहां पर क्या होगा एन बी ई पी आर ये करता है डोमिनेट ठीक है ये करता है जी सर डोमिनेट है ना वी एस सी पे आर थे सर फेल हो चुकी है यहां पर बहुत तगड़ी है यहाँ पर है ना लग रही है इसलिए तो बॉन्ड एंगल देखिए इंक्रीज हो गया और बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या मिलेगा अब आपको बीटा बीटा इज इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन अल्फा अल्फा ओके ऐसी मिलती है बॉन्ड एंगल की ऑर्डर बोलो क्लियर है ये बात यस yes, आप सभी को यह बात समझ में आएगा गाइस ना, बहुत सिंपल करके मैंने इसको समझाया है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इसमें यस yes. चलिए तो ये है आपकी -E -P -R. तो बोलो भाई कंडीशंस क्या आ गई एन बीपीआर -E की yes. अब से आप मुझे कंडीशन बताओगे ठीक है मेरी मदद करिए चलिए ठीक है बट उससे भी पहले जी सर एक सूचना आपको देना चाहता हूं मैं ठीक है आप अगर आईओएस पे हो एंड्रॉइड पे हो चाहे जहां पे भी हो ठीक है आई फेस का ऐप आप आपको मिल जाएगा ठीक है इसको डाउनलोड कीजिए एक बार आप उससे रजिस्टर करके देखिए और आपका जो नया ऐप बना है उसको एक्सप्लोर करके देखिए जहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा है ना थोड़ा सा उसको भी चला कर देखिए अपने खाली समय में ओके ओके और उससे भी अच्छी बात चौदह अगस्त पे एक नई ऑफलाइन की बैच शुरू होने वाली है ठीक है तो आप सभी जिन, -जिन को डिसबर का एग्जाम या फिर सी एस आर नेट का एग्जाम क्लियर करना है तो वो एनरोल कर सकते हैं इस बैच में ओके okay? चाहे आप लाइफ साइंस से रहें केमिकल साइंस से रहें फिजिकल या फिर मैथमेटिकल सब के लिए जी सर आप एनरोल कर सकते हैं ओके चलिए ओके तो मैं बता रहा था कंडीशंस कंडीशंस फॉर एन ठीक है कंडीशंस फॉर एन ठीक है पहला अब मुझे बताइए सराउंडिंग एटम सॉरी सेंट्रल एटम कैसा होना चाहिए ठीक है सीए का मतलब है सेंट्रल एटम वो छोटा होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए ये आप मुझे बता दीजिए यस yes, बहुत बढ़िया तो सेंट्रल एटम कैसा होना चाहिए स्मॉल ठीक है और वो कहां से हो सकता है सेकंड पीरियड से हो सकता है क्योंकि उसके बाद वाले जो पीरियड आएंगे ना उस सेंट्रल एटम को मैं लार्ज कंसीडर करता हूं ठीक है तो सेंट्रल एटम होना चाहिए छोटा सा अब दूसरी बात साइड एटम कैसे होना चाहिए ठीक है साइड एटम कैसे होना चाहिए साइड आइटम बहुत भयंकर लीजिए सर बड़ा होना चाहिए ठीक है लार्ज होना चाहिए ठीक है कहाँ से जी सर यस yes. किस दुनिया का होना चाहिए जी सर किस पीरियड का होना चाहिए थर्ड पीरियड का मंगालो जी सर थर्ड पीरियड का और ऑनवर्ड्स ठीक है और ऑनवर्ड्स और तीसरी बात है मॉलिक्यूल एस पी थ्री हाइब्रिड ठीक है मॉलिक्यूल शुड भी एस पी थ्री हाइब्रिड ओके ये होता है जी सर आपका एन बीपीआर यस बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया तो बताइए कोई दिक्कत डाउट समस्या है तो आप पूछ लीजिए ओके चलिए बहुत बढ़िया ठीक है तो अब यहाँ तक की बातें है क्लियर हैं तो अब देखते हैं कि मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्ड एंगल और बॉन्ड की जोमेट्री वगैरह डिसाइड होती है यानी ओवरऑल मॉलिक्यूलर जोमेट्री शेप कैसे डिसाइड होता है ये बात को जानते हैं ठीक है एक इंपॉर्टेंट yes, बात यस एक इंपॉर्टेंट बात ठीक है देखिए मेरे पास ना कोई एक डायरेक्ट तरीका नहीं है जिससे कि मैं मॉलिक्यूल का शेप फाइंड कर सकूं ठीक है अगर मान लीजिए आपको मॉलिक्यूल का शेप फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा ठीक है इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा और यदि आपने ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर लिया तब आप शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हो है ना डायरेक्टली आप शेप को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं यस ज्योमेट्री हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से ठीक है हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट करेंगे ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट करेंगे जी सर स्टीरिक नंबर से ठीक है स्टीरिक नंबर से प्रेडिक्ट करेंगे हम ज्योमेट्री ठीक है तो इस तरीके से देखिए आएगा होता है मॉलिक्यूल के शेप तक पहुंच सकूं ठीक है तो अब सबसे पहले देखते हैं जी सर स्टीरिक नंबर है ना स्टीरिक नंबर को देखते देखते हम क्या करेंगे उसमें ही मॉलिक्यूल की शेप जोमेट्री बॉन्ड एंगल बॉन्ड वगैरह सारी चीजों पर आंख डालते चलेंगे यानी उसको भी नोटिस करते चलेंगे ठीक है सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टीरिक नंबर टू की ठीक है नंबर टू की बात करता हूं ठीक है जब भी स्टीरिक नंबर टू आता है तो मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा जी सर मॉलिक्यूल दिखता है ऐसे है ना ये पॉसिबिलिटी है ना स्टीरिक नंबर टू की पॉसिबिलिटी क्या है ऐसे ऐसे दिखेगा मॉलिक्यूल से दिखता है जी सर आपका मॉलिक्यूल। अब इसमें आता है एक सिग्मा और दो सिग्मा। तो स्टीरिक नंबर क्या होता है स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेर ठीक है नंबर ऑफ लोन पेयर अब इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तब आपको मिलते हैं दो सिग्मा बॉन्ड है तो स्टीरिक नंबर क्या आ गया दो और लोन पेयर क्या है जीरो तो ओवरऑल जो स्टीरिक नंबर बनता है वो बनता है टू का ठीक है तो ओवरऑल स्टीरिक नंबर बना आपका टू का ओके जी तो स्टीरिक नंबर टू ऐसे दिखता है मॉलिक्यूल और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp2 की यस yes. हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2 की और की ज्योमेट्री कैसे दिखती है जी सर यस yes. इसके हाव भाव कैसे नजर आ रहे हैं आपको Linear नजर आते हैं ठीक है ये नजर आते हैं लीनियर ठीक है ये नजर आएंगे आपको लीनियर ओके चलिए बहुत बढ़िया ऋषभ ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं बॉन्ड एंगल एज वेल एस लोन पेर दोनों को इंक्लूड करते हैं यस yes, बहुत बढ़िया प्रतीक्षा कुछ कह रहे हैं और डिलीट भी कर दिया उन्होंने दौली जी क्या कहना चाहते हैं आप सर आप होगा ना एच थ्री में बॉन्ड एंगल ओके आई थिंक जो आपका पीवा क्यू बनाया उसकी बात करना चाहते हैं आप अरे 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 समझ गया मैं समझ गया ठीक है मैंने ना एस पी के जगह एस पी टू लिख दिया है और मुझे लगता है कि आप सभी मुझे यही कह रहे हो कि सर एस पी टू नहीं एस पी होगा जी 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 समझ गया और <laughs> वो ना एस पी के जगह आप हो जा रहा है ऑटो करेक्ट से आपका भी ठीक है आपका भी गलत हो रहा है मुझे लग रहा है आप क्या होगा यहाँ पे ठीक है आप सही है sp हाइब्रिडाइजेशन एस होगा एस होगा है ना मेरा भी ऑटो करेक्ट हो गया चलिए थैंक यू फॉर करेक्टिंग ठीक है तो ये आ जाएगा sp ठीक है जी ये आता है sp ओके okay. अब ऐसे ही अगर मैं स्टीरिक नंबर थ्री को ले लो ठीक है स्टीरिक नंबर में क्या लेता हूं थ्री को ले लेता हूं अब कैसे दिखेगा स्टीरिक नंबर थ्री का मॉलिक्यूल एक बॉन्ड रहेगा ऐसे दूसरा बॉन्ड रहेगा ऐसे और तीसरा बॉन्ड आ जाता है ऐसे ठीक है यहां पर क्या होगा 120 का एंगल बनता है ना एकदम मक्खन की तरह जी सर परफेक्ट 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बनता है ऐसे ओके यहां पर देखिए 120 का बॉन्ड एंगल बन रहा है और साथ ही साथ एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा। तो बॉन्ड एंगल सॉरी सॉरी सॉरी, बॉन्ड एंगल की बात नहीं आएगी स्टीरिक नंबर की बात होनी चाहिए स्टीरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेर लोन पेर लोन पेर है ना कितने सिग्मा है तीन लोन पेर कितने जी सर लड्डू तो स्टीरिक नंबर आ गया तीन इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलती है एस से शुरुआत करेंगे पी आ जाएगा और अब आ जाएगा पी टू ठीक है एस पी टू आएगा और इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होने वाली है ज्योमेट्री होने वाली है ट्राइगोनल प्लेनार ठीक है ट्राइगोनल प्लेनार रहती है इसकी ज्योमेट्री ओके यस ऐसे बना जी सर आपका मॉलिक्यूल अब यदि मैं इस मॉलिक्यूल में क्या करूंगा यस yes. यदि मैं इस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर डाल देता हूं ऐसे एक दो दो बॉन्ड रहेंगे वैसे के वैसे और इस पे आ गया जी सर एक लोन पेयर ऐसे ठीक है अब कैसे दिख रहा है मॉलिक्यूल क्या अब आपकी मॉलिक्यूल में स्टीरिक नंबर चेंज हो गई है क्या उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गई है क्या उसकी वजह से ज्योमेट्री भी चेंज हो गई है और क्या उसकी वजह से शेप भी चेंज हो रही है यस चलिए देखते हैं सर नहीं समझ आया फिर से रिपीट कर दीजिए प्रीति देखिए बहुत सिंपल सी बात है और बाकी लोग ना इसके अः कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना ठीक है क्या क्या लिखोगे जी सर आप इसमें लिखोगे स्टीरिक नंबर क्या आ जाएगा स्टीरिक नंबर के बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद ज्योमेट्री क्या आ जाएगा ज्योमेट्री के बाद शेप क्या आ जाएगा ये चार बातें आपको लिखनी है जी सर ठीक है और प्रीति ध्यान से सुनिएगा ठीक है जब भी मेरे पास स्टीरिक नंबर तीन आएगा स्टीरिक नंबर तीन कैसे पॉसिबल है तीन बॉन्ड पेयर से पॉसिबल है स्टीरिक नंबर तीन तो अब आपका जो सेंट्रल एटम है ए ठीक है आपका ये है अपना सेंट्रल एटम अब एक ए के बनने हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं आपके एक ए के सराउंडिंग सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बन सके यस और उसमें जी सर यही प्रोबेबल स्ट्रक्चर मिलता है आपको क्योंकि यहां पर देखिए बॉन्ड एंगल क्या है मैक्सिमम है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है सभी में तो ये सबसे ज्यादा एक दूसरे से दूर है है ना दो आपके बॉन्ड है जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर है तो ये इससे मैक्सिमम स्टेबिलिटी बनती है अगर मान लीजिए यस देखिए फॉर एग्जाम्पल सर फॉर एग्जाम्पल प्रीति जी अगर मैं ना इसको ऐसे बना देता मजाक मजाक में बना देता अरे देखिए आपने मजाक मजाक में मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता ऐसे है ना ये क्या है पिरामिड है और इसमें एंगल क्या है जी सर मोटा मोटा 160 डिग्री है मान के चलो ठीक है तो देखिए अब क्या हो गए आपके जो साइड आइटम है वो पास आ चुके हैं है ना तो रिपल्शन ज्यादा है तो ऐसी स्ट्रक्चर आपके ए बी थ्री मॉलिक्यूल की नहीं बनती ठीक है ऐसी स्ट्रक्चर आपके ए बी थ्री मॉलिक्यूल की नहीं बनती ठीक है तो आपका मॉलिक्यूल अपने आप को जी सर ऐसे प्रेजेंट कर लेगा ऐसे अरेंज कर लेगा खुद को कि उसमें सबसे कम रिपल्शन हो और ज्यादा स्टेबिलिटी उसको मिल पाए ठीक है और सबसे बढ़िया है स्ट्रक्चर ये वाला जो आपको अपने सामने दिखाई दे रहा है ओके तो उसके जी सर हाव भाव ऐसे बनते हैं तीन सिग्मा बॉन्ड आ गए और जोमेट्री आती है ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है अब बात करता हूं जी सर एबी टू मॉलिक्यूल की जिसमें एक लोन पेर है तो दो सिग्मा का एक आ जाएगा एक लोन पेर ठीक है यह है सिग्मा यह है लोन पेयर तो स्टीरिक नंबर आया तीन स्टीरिक नंबर तीन के लिए हाइब्रिडाइशन आया आए, एस पी टू एस टू हाइब्रिडाइशन के लिए आपको मिलता है ट्राइगोनल प्लेनार अरेंजमेंट और ट्राइगोनल प्लेनार अरेंजमेंट के साथ साथ हम मॉलिक्यूल की जो शेप है वो चेंज हो जाती है क्योंकि अब मॉलिक्यूल में क्या है लोन पेयर है ठीक है शेप में ठीक है शेप में याद रखना नो लोन पेयर लोन पेयर छोड़कर कैसे दिख रहा स्ट्रक्चर जी सर यस yes. V की तरह दिखता है तो इसको अपन कह देते हैं वी शेप है ना नहीं सर मुझे बेंट की तरह दिखता है बेंट है ये लीनियर नहीं है बेंट है चलो जी बेंट शेप नहीं सर मुझे बेंट नहीं दिखता ये एंगुलर दिखता है ठीक है ना एंगुलर शेप कह लो ठीक है ऐसे बनता है जी सर आपका मॉलिक्यूल यस बहुत बढ़िया अब चलिए मैं इस मॉलिक्यूल में ना और एक लोन पेयर को डाल देता हूं ठीक है यहाँ पर मैंने एक और लोन पेयर को ऐड कर दिया ए, बी एक और दो <laughs> और ये पॉसिबल नहीं है ठीक है ये पॉसिबल नहीं है यही पॉसिबल है ठीक है वैसी कॉन्फिग्रेशन बहुत मुश्किल है आपको मिलना ठीक है एक बॉन्ड जी सर मिलना यूजुअल नहीं है बहुत ठीक है तो इसीलिए हम उस कॉम्बिनेशन को नहीं देखते हैं सर मॉलिक्यूल पे देखिए एस एस सुपर स्टडी कह रहे हैं मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आया तो बॉन्ड एंगल चेंज होता है क्या देखिए मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इससे ना बॉन्डिंग चेंज हो सकती है है ना चार की जगह पांच बॉन्ड बना सकता है अब तो इससे मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल ही नहीं शेप भी चेंज हो सकती है चलिए बहुत बढ़िया गाइस ठीक है तो अब मैं स्टीरिक नंबर चार पे ले चलता हूँ आपको ठीक है तीसरी बात स्टीरिक नंबर चार अब स्टीरिक नंबर चार सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है 109 डिग्री का एंगल बनाओ सर आप ठीक है ए रहेगा आपका सेंट्रल एटम इस पे ना मैं 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना जा बनाते जाता हूं तो ये मॉलिक्यूल दिखता है ऐसे ठीक है ये मॉलिक्यूल दिखेगा मुझे ऐसे ओके बॉन्ड एंगल क्या आती है जी सर मान लीजिए कहता हूं इसको अल्पा ठीक है थीरिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ सिग्मा दैट इज फोर थीरिक नंबर आ गया फोर इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है एस पी थ्री जोमेट्री रहती है टेट्राहेड्रल और शेप रहता है टेट्राहेड्रल अब यदि मैं इसमें लोन पेयर को इंट्रोड्यूस कर दूं गाइस Yes, क्या मैं लोन पेयर को इंट्रोड्यूस कर यहाँ पर चलो तो कर देता हूँ ये आ गए अपनी लोन पेर एक लोन पेर अलग ठीक ऐसे बन गया अपना मॉलिक्यूल ठीक है अब देखिए स्टीरिक नंबर क्या होता है सेम आएगा स्टीरिक नंबर में फर्क ही नहीं आएगा है ना तीन सिग्मा है एक लोन पेर है स्टीरिक नंबर आ गया चार है ना तो इसके लिए क्या मिलता है आपको हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन मिलता है फिर से एस पी थ्री जितना हाइब्रिडाइजेशन ठीक है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बट शेप अब चेंज होता है जैसे मॉलिक्यूल में आता है लोन पेयर यस कैसे दिखता है स्ट्रक्चर पिरामिडल ठीक है पिरामिडल दिखता है ओके okay? सर लोन पेर आने पर बॉन्ड एंगल बनता है कि बढ़ता है कि घटता है यस yes. इसीलिए देखिए मैंने यहां पर अल्पा दिया है अब इसको मैं कहता हूं बेटा ठीक है लोन पेयर आने पर रिपल्शन बढ़ता है वीएसई पी आर कहती है कि जो आपका लोन पेयर है वो ज्यादा रिपल्शन देता है जी सर सिंगल सिंगल बॉन्ड से भी है ना लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर कंपेयर टू तो दैट ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर ठीक bond pair, bond pair. Okay? है तो यहां पर क्या होगा बीटा विल बी लेस दे पांच डिग्री मान के चलो एक सौ साठ डिग्री मान के चलो एक और लोन पेयर को मैं डाल देता हूं जी सर यहां पर क्या होगा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं दो लोन पेर बी और बी इसको कहते हैं अल्पा बीटा गामा ठीक है स्टीरिक नंबर क्या बनता है दो सिग्मा प्लस दो लोन पेर स्टीरिक नंबर बन गया चार हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए क्या आती है मेरे यार एस पी थ्री आती है जी ठीक है ज्योमेट्री क्या आ जाएगा टेट्राहेड्रल और शेप क्या आ जाता है बेंट आता है वी आता है एंगुलर आता है जो आपको अच्छा लगे बोल दो बट सही आना चाहिए आंसर अनिता यादव सर आई थ्री का क्या ज्योमेट्री होगी सर ठीक है आई थ्री या तो पॉजिटिव चार्ज पे रह सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज के साथ रह सकता है ठीक है पॉजिटिव चार्ज है तो वो टेट्राहेड्रल रहेगा और नेगेटिव चार्ज है तो वो रहेगा जी सर स्ट्रेट में यानी लीनियर रहेगा ठीक है जी तो ऐसे आपको स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखने को मिलती है मॉलिक्यूल में है ना अब देखिए ये और भी घट गई है ये बन गई है 105 डिग्री की तो गामा इज लेस देन बीटा, बीटा इज लेस देन अल्पा. ये आ गई बॉन्ड एंगल की ऑर्डर ड्यू टू वी एस ई पी आर है ना बी एस ई पी आर की वजह से आता है ऐसे सर कोई चार्ज नहीं है चार्ज तो देखिए आना ही चाहिए नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है मॉलिक्यूल है ना सात इलेक्ट्रॉन है और उसमें से दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पांच इलेक्ट्रॉन के लेके करेंगे क्या है ना या तो छह होने चाहिए या तो चार ताकि लोन पेयर बना सके अभिषेक कह रहे हैं कि किसी हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल में जैसे कि ए बी सी डी ई में सेंटर एटम कैसे डिसाइड करें हाइड्रोजन के अलावा जो भी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा वो रहेगा सेंट्रल एटम ठीक है जी अभिषेक नेट में आया था नहीं नहीं नेट में इसके बारे में नहीं पूछा है आपको नेट में ना आई थ्री पॉजिटिव भी दिया है आई थ्री नेगेटिव में दिया है तभी तो मैं कह रहा हूं चार जाना चाहिए ठीक है एक बार ना आप अनीता फिर से कंफर्म करना इसके ऊपर ठीक है यस yes, बताइए जी क्या यहाँ की आज की हमारी सारी चीजें आपके लिए क्लियर है जो हमने सारी बातें की हैं और कोई दिक्कत डाउट समस्या है तो पूछ लीजिए यस yes? यस yes, अब आपका काम क्या बचा है पता है आपको ना इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं मैं चाहता हूं कि आप एक एक एग्जाम्पल इसका ढूंढ कर निकाले और उसकी स्ट्रक्चर को खुद से ड्रा करके देखें है ना उसका फील लीजिए आप है ना ट्राई कीजिए कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन सी जोमेट्री आती है कैसे प्रेडिक्ट करना है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया गाइस सर सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर होना चाहिए ना नहीं नहीं सेंट्रल एटम ना लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन चलिए बहुत बढ़िया गाइस ठीक है तो कोई भी अगर डाउट दिक्कत समस्या है ना कुछ भी अगर पूछना है तो आप ना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं ठीक है और चलिए इसी के साथ ना मैं आज का सेशन एंड करता हूँ थैंक्स एंड वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू शुभम भमारे वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सर थैंक यू शुभम प्रदीप कह रहे हैं सर एग्जाम्पल ज़्यादा मा अच्छा आई थिंक आप कह रहे हो कि एग्जाम्पल ज़्यादा ले यस एग्जाम्पल देखिए बहुत सारे ले सकते हैं है ना अब तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो इस पर आप एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल कर सकते हो ठीक है मैं भी कल ऐसा करूंगा कि स्टार्टिंग में ना थोड़े से क्वेश्चन ले आता हूँ जिसपे हम ये सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं कल मिलते हैं अनटिल देन टेक केयर और मज़े में रहिएगा हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू